थोड़े दिन से मुझे बहुत फ़ोन आ रहा था और सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बुबागरा दिल्ली में क्या हुआ है, आने वाले दिन में क्या करना चाहिए, क्या हमारा रणनीति होना चाहिए। तो मैं अपने तीप्रासा को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ। हम लोग दिल्ली गए हैं, हमने अपना डिमांड ग्रेटर तीप्रालैंड के लिए रखा है। अब दिल्ली को हमारे पास वापस आकर अपना माइंड बताना पड़ेगा कि उनका क्या जवाब है। लेकिन कमजोरी से झुक के बात करने से कुछ नहीं मिलता। बहुत लोग हैं जो चाहते नहीं है कि तिपरा मोथा IPFT तिपरासा का बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको पावर चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हम अगले 2 महीने पॉलिटिक्स नहीं करके अपने कम्युनिटी को कुछ देना चाहते हैं। पॉलिटिक्स तो पूरे ज़िंदगी चलेगा, लेकिन इस बार अगर हम तिपरासा लोग अपने पार्टी के बारे नहीं सोचकर, अपने जाति के बारे सोचकर, एक प्लेटफॉर्म में, एक आवाज़ में तिपरालैंड हो या ग्रेटर तिपरालैंड हो का बात रखते हैं, तो सेंटर को भी सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के पार्टी को छोड़कर कहीं और इधर उधर जाएंगे, क्योंकि हमें पोजीशन नहीं मिल रहा है, हमें पोस्ट नहीं मिला, हमें जल्दी है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। और इसके पीछे भी बहुत लोग हैं जो हमें खेलते हैं, क्योंकि हमारे संग, हमारा इमोशन के संग ये लोग खेलते हैं। कुछ नहीं मिलेगा भाई, आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म है, ये बोलकर तो हम लोग कमज़ोर होते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें सीरियसली नहीं लेती। हमें खेलने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है। त्रिपुरा में ही बहुत लोग हैं जो तिपरासा का भला नहीं चाहते हैं, मुख से मीठा बात करेंगे, पीछे से छुरी मारते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिस्कशन, निगोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है, ये एक ऐसे स्तर में पहुंच गया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर तिपरासा को बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन बहुत कुछ तब मिलेगा जब हम लोग एक आवाज़ में, एक दूसरे से नहीं लड़कर, शांति से, इम्पेशेंट नहीं होकर अपना बात रखेंगे। पॉलिटिक्स करने के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है, लेकिन ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है, ये टाइम थानसा का है। ये टाइम एक होकर, एक आवाज में देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोलना है कि ये राज्य हमारा था, ये किंगडम हमारा था, यहाँ के मालिक हम थे, आज नहीं है, लेकिन आप हमारा अधिकार दीजिए, तब भी हम आपके साथ बात करेंगे, वरना आपके साथ बात नहीं करेंगे। ये टाइम आंख से आंख मिलाकर बात करने का है, ये टाइम अपना कमजोरी ओपनली दिखाने का नहीं है। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इसको आप लोग भी बहुत समझदार हैं, जो समझदार है वो समझते हैं, और जो डेस्परेट है, जिसको जल्दी है, जल्दी में आप सिर्फ खिचड़ी मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा बात समझिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने दोफा के ऊपर विश्वास करोगे, तो ही आपको कुछ मिलेगा। अगर आज आपको पार्टी का पॉलिटिक्स करना है, CPM हो, BJP हो, मोथा हो, IPFT कुछ भी, तो आप पूरा जिंदगी पार्टी करेंगे, जाति पीछे चला जाएगा और पीछे चला जाएगा। प्लीज मेरा बात को समझिए, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन बहुत कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। इसके लिए हमें डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, हमें एकता दिखाना पड़ेगा, हमें थानसा दिखाना पड़ेगा, और एक प्लेटफॉर्म में एक बात करना पड़ेगा, तिपरालैंड हो या ग्रेटर तिपरालैंड हो। ये मेरा मैसेज है।